तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है स्काई लैंटर्न। जी हां गाइस, उड़न खटोला, ये वही चीज है जो कि आप देखते हो ना कि यार काफी सारी मूवीज के अंदर या फिर किसी वीडियोस के अंदर आप देखते हैं कि एक मोमबत्ती जैसी जल रही होती है और एक गुब्बारे जैसी छोटी चीज होती है, वो हवा के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से उड़ती उड़ती ऊपर जाती है। बेसिकली बोले तो एक छोटा सा हॉट एयर बलून, ये है वो चीज, इसे इंग्लिश में स्काई लैंटर्न बोलते हैं। इसका जो फंडा है उड़ने का वो काफी सिंपल सा है, गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की होती है और इसके अंदर होती है गर्म हवा और हल्की होने के कारण गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, साथ ही साथ इस स्काई लैंटर्न को भी लेके चली जाती है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है और इसकी जो कीमत है वो है मात्र 20 रुपए। जी हाँ गाइस, 20 रुपए, हमारे इधर तो 20 की मिलती है, आपके उधर का मुझे पता नहीं। तो ये इसके अंदर एक चीज मिली है, ये कपूर है या फिर क्या है, बेसिकली ये फ्यूल है, इसी फ्यूल की मदद से इसके अंदर की हवा गर्म होती है। तो इसे अपन सिंपली बिल्कुल प्यार से बाहर निकाल लेते हैं और इसे अनफोल्ड करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर छेद ना हो, क्योंकि अगर छेद हो गया तो ये जो है फेल हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरीके से खोल लेते हैं और ये देखो, और इसके अंदर हवा भरते हैं, और ये तैयार। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल तैयार। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नॉट है, इस नॉट के अंदर इस फ्यूल को फंसा देंगे और फंसा के इसके अंदर आग लगा देंगे और फिर देखते हैं कि ये उड़ती है या फिर नहीं, ये कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो यार पहले क्या करते हैं, इस चीज को हॉल के अंदर उड़ाते हैं और अंदर उड़ा के देखते हैं कि कितनी देर तक जलती है, साथ साथ किस तरीके से उड़ती है। साथ साथ हमारे इधर पे आवाज बहुत ज्यादा तेज चलती है तो बाहर उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आपको भी कह दूं, अगर आप ऐसी कोई चीज ट्राई करें तो प्लीज यार उसे ऐसी जगह पे ट्राई मत कीजिए जहां पे आग लगने का खतरा हो, साथ ही साथ तेज हवा के अंदर मत करना। ये देखो आप कितनी तेज हवा चलती है। तो ये हम आ गए हॉल के अंदर, यहाँ पे आवाज थोड़ी सी गूंजेगी। तो इसे उड़ाने का काफी सिंपल सा तरीका, पहले हम इसे यहाँ से पकड़ लेते हैं, पकड़ो, और फिर नीचे इस फ्यूल के अंदर आग लगाते हैं, ठीक है। और ये मैंने फ्यूल के अंदर आग लगा दी है, धीरे धीरे फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाएगा और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये बिल्कुल हल्की फील होने लगे तभी हमें इस स्काई लैंटर्न को हवा में छोड़ना है, तभी ये उड़ेगी वरना नहीं उड़ेगी। देखो फिर इसे यहाँ से इस तरीके से पकड़ लेते हैं और वेट करते हैं कि ये हल्की हो जाए, अगर हम इसे वक्त से पहले छोड़ देंगे तो इस तरीके से नीचे आ जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वाह यार गाइस, अंदर से देखो, अंदर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, देखो, और ये गई। गाइस आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जा रही है। हम इसे अंदर इसलिए ट्राई कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि कितनी देर उड़ सकते हैं, आप देखते जाओ कितनी देर। ये जब तक हवा में रहेगी जब तक कि उसके अंदर फ्यूल है, जैसे ही फ्यूल खत्म होगा वो धीरे धीरे अपने आप लैंड हो जाएगी, वो देखो अभी तक भी जल रही है। तो गाइस लगभग 1 मिनट तक, जी हाँ गाइस, लगभग 1 मिनट तक जलने के बाद, 1 से 2 मिनट तक जलने के बाद ये फाइनली जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ नीचे आ गई। बाकी आप इसके अंदर देख सकते हैं धुआं भरा हुआ, ये तो काफी सारा धुआं, इतना सारा धुआं, ये देखो। अब करते हैं इसे बाहर टेस्ट। ऑलराइट गाइस, अब उड़ाते हैं बाहर। गाइस नीचे से देखो मस्त लग रहा है यार, अभी देखते हैं कि ये कब तक उड़ता है, अभी तक नहीं। गाइस यार रात के समय में उड़ा के देखते हैं कि रात के टाइम में ये कैसा दिखता है जब ऊपर आकाश में जाता है। गैस टॉर्च। ऑलराइट गाइस, अभी देखते हैं कि ये उड़ता है या फिर नहीं। गाइस नीचे से देखो, लॉन्च करें। यस। 1 2 3 गो। वाओ यार। तो गाइस यार ये स्काई लैंटर लॉन्च हो चुका है, ऊपर देखो ऊपर। गाइस यार बहुत ऊपर जा चुका है, वो देखो बहुत ही शानदार दिख रहा है।
गाइस यार अभी हवा नहीं चल रही और सक्सेसफुली हमारी स्काई लैंडर देखो बहुत ऊपर चली गई यार, वो देखो बहुत ऊपर, एक जगह पे रुक गई है यार, आगे आओ देखो देखो वाह यार, बस देखो देखो दिख रही है, वो देखो भाई यार हमने ड्रोन की मदद से देखा कि हमारा जो स्काई लैंटर्न है वो बहुत दूर गया और साथ साथ हमने उसको फॉलो किया कि कहीं कोई आग वगैरह ना लग जाए, लेकिन सारी चीज़ें सुरक्षित रही, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बाकी यार मुझे पता है एक चीज़ का कि ये जो स्काई लैंटर्न है ये काफ़ी सारी दुकानों पर नहीं मिलती है जो गाँव में रहते हैं या फिर उधर, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको घर पर ही स्काई लैंटर्न बनाना सिखाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपका भाई आपको ज़रूर सिखाएगा। बाकी आज के लिए वैसे नया मिलते नेक्स्ट स्टूडेंट किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।